गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 3B. दिस चैप्टर इज सेम अस चैप्टर नंबर 2, व्हिच इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल. जो फ्रैक्शन पार्ट है वो रेशनल नंबर के जैसे ही है, लगभग सिमिलर है. तो किसी ने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है वो चैप्टर नंबर 3 को पढ़कर समझ सकता है. चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 3B का फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर रेशनल नंबर्स. ओके, इन फर्स्ट क्वेश्चन we are going to compare two rational numbers. Okay, जैसे first part है -7/24 -3/8. Okay, we have to compare both numbers. Okay, अब देखो first अगर ये simplest form में convert हो रहे हैं तो करो, otherwise क्या करो, simplest form में convert नहीं होंगे, इनका cross multiply करो. इसका denominator इसके numerator से 7 to 8, बॉक्स -3 × 24 56 - −72. माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी माइनस के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है. तो ये छोटा है ये बड़ा है, इट मींस जो बॉक्स में साइन आएगा ये वाला आएगा. सिंपल, बॉक्स के अंदर जो हाँ जो साइन यहाँ पे आएगा वो का वो साइन यहाँ पे पुट करना है. अब देखो एक और क्वेश्चन, इसका एच पार्ट दिस वन 9/20 0.45 0.45. वी हैव टू कंपेयर बोथ नंबर्स. ओके, पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है. ओके, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, 5 9 5 2 10. एंड अब देखो ये दोनों क्या है, बोथ आर इक्वल. सिंपल, आया समझ में, डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 इज वी हैव टू कंपेयर मोर देन टू रेशनल नंबर. जब दो से ज्यादा रेशनल नंबर आ गए तब उनको कैसे कंपेयर करेंगे, वी विल डू दैट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट. जो नंबर गिवन है उसको लीस्ट से ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है. अब देखो फर्स्ट, चलो फर्स्ट वाला कर ही देते हैं, 1/2 -3/2 5/2 -7/2 -2/2. ओके, फर्स्ट दीज ऑल आर लाइक फ्रैक्शन और लाइक रेशनल नंबर. लाइक कैसे, सबका डिनोमिनेटर सेम है. अब देखो जब भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे मोर देन टू रेशनल नंबर्स को, ओके, फर्स्ट वर्क क्या होता है या फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, मेक ऑल डिनोमिनेटर सेम, सारे के सारे डिनोमिनेटर को सेम बनाओ. यहाँ पर तो ऑलरेडी सेम है, तो अब देखो अब इनको डिनोमिनेटर को भूल जाओ एक बार और देखो सबसे छोटा कौन सा है, -7, तो -7/2, फिर -3/2, फिर -2/2, उसके बाद -2 के बाद है 1 1/2, उसके बाद 5/2. तो ये हो गया लीस्ट टू ग्रेटेस्ट. ओके, फर्स्ट वी हैव टू मेक सेम डिनोमिनेटर. अब देखो इसका एक क्वेश्चन देखो, सी पार्ट देखो, 1/4 4/5 -2 raised to 5/4 0 0 0 -7/10 एंड 0.8, डन. अब देखो इस पॉइंट को हटाएंगे अपॉन में 10 आएगा. ओके, अब देखो 1/4 4/5 0 0 का अपॉन में 1 कंसीडर कर सकते हैं, 7/10 एंड 8/10. वी हैव टू मेक इक्वल डिनोमिनेटर. इक्वल डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे हम एलसीएम लेंगे. ये देखो इन सब का एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा 20.
4, 5, 1, 10, 10, calcium, I got 20. Now, 20 divided by 4, 5, 5, 1, 5. 20 divided by 5, 4, 4, 4, 16. 20 divided by 1, 20, multiply by 0. 20 divided by 10, 2, 2, 7, 14. And 20 divided by 10, 2, 2, 8, 16. अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम बन गया. अब देखो इसको सेपरेट कर लो, 5 अपॉन 20, 16 अपॉन 20, 0 अपॉन 20, 14 अपॉन 20 एंड 16 अपॉन 20. ओके, अब इनको अरेंज करो पहले लीस्ट टू ग्रेटेस्ट. लीस्ट कौन सा होगा? माइनस 14 अपॉन 16, 20, फिर 0 अपॉन 20, उसके बाद 5 अपॉन 20, उसके बाद ये 16 अपॉन 20 एंड 16 अपॉन 20. अब देखो माइनस 14 अपॉन 20 कौन सा है? फोर्थ वाला. तो ऊपर से फोर्थ नंबर कौन सा है? माइनस 7 अपॉन 10. यहां पे सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको. फिर 0 अपॉन 20, ऊपर से थर्ड 0. 5 अपॉन 20 कौन सा है? फर्स्ट. तो फर्स्ट कौन सा है? 1 अपॉन 4. फिर 4 अपॉन 5 एंड 8 अपॉन 10. ओके, इट इज लीस्ट टू ग्रेटेस्ट. ओके, रिमेनिंग ऑल क्वेश्चंस आर इन होमवर्क. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज थर्ड सी. थर्ड सी इज सेम एज चैप्टर नंबर टू. ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर सेकंड के जैसा ही है. डन. फर्स्ट क्या है? 1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन माइनस 5. यहां माइनस लगा है. ओके, इस माइनस का मींस क्या हुआ? सबसे पहले तो देखो माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, एक की बात है. डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो इज सेम थिंग. अब दोनों कैल्शियम 5 बनेगा. 5 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2. 1 वन जा 1, 2 वन जा 2, तो माइनस का क्या आएगा? 5. ये आया माइनस का 1 अपॉन 5. डन. प्लस माइनस माइनस. अब देखो इसका एक पार्ट, पार्ट देखो ई. 1 raised to 3 अपॉन 4 प्लस माइनस 1 raised to 1 अपॉन 4. 4 वंस आर 4 और 3 7 अपॉन 4 प्लस 4 वंस आर 4 अपॉन 5 देन माइनस 5 अपॉन 4. अब ये क्वेश्चन वापस किसके जैसा बन गया? इसके जैसा. इट मींस यहां से आपको आगे सॉल्व करना है. डन. अब इसका एक एच पार्ट देखो. 17 अपॉन माइनस 30 प्लस 7 अपॉन 30 प्लस 1 raised to 7 अपॉन 30. अब देखो माइनस ऊपर नीचे एक ही बात है. माइनस 17 अपॉन 30, 7 अपॉन 30. मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. 31 प्लस 7, 37 अपॉन 30. सबका एलसीएम 30, तो यहां पे माइनस 17 प्लस 7 प्लस 37. इसको सॉल्व कर लो. 37 माइनस 17 20, 20 प्लस 7 27, 27 अपॉन 30. डन. सिंपल था. अब देखो क्वेश्चन नंबर टू. सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू जो है सब्ट्रैक्शन है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका होमवर्क रहेगा सेम एज क्वेश्चन नंबर वन एंड टू. सब्ट्रैक्ट इसका भी एक पार्ट देखो. दिस चैप्टर इज सिंपली रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर टू. अब देखो सी पार्ट करते हैं. माइनस 1 रेज टू 3 अपॉन 4
from minus 2 raised to 1 upon 4. 4 ones are 4 or 3? 7 minus 7 upon 4. From 4 to 8 and 1? 9 upon 4. Subtracted this from this. तो माइनस 9 अपॉन 4 आ गया. सबट्रैक्शन करना है माइनस, और माइनस के बाद में जो भी नंबर आता है उसको सिंपली ब्रैकेट में रखा जाए, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते टाइम आंसर गलत ना हो. माइनस 9 अपॉन 4 प्लस 8 अपॉन 4, एलसीएम 4 आएगा, सॉरी 7 अपॉन 4. माइनस माइनस प्लस, अब माइनस 9 प्लस 4 देन माइनस 5 अपॉन 4. सिंपल डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 4 सॉरी. क्वेश्चन नंबर 4 इज 8 अपॉन 17 माइनस एक्स फॉर x इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 17. बहुत इजी क्वेश्चन है. इसने बोला है कि इवेल्युएट इफ x इक्वल टू दिस, इसको सॉल्व करना है अगर x की वैल्यू ये है तो. अब देखो 8 अपॉन 17 माइनस एक्स 5 अपॉन माइनस 17, देन 8 अपॉन 17 माइनस, इस माइनस को ऊपर ले गए, सेम बात, कोई कंफ्यूजन नहीं. 8 अपॉन 17 ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 17, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 अपॉन 17. ये एचएम लेने के बाद आएगा. ओके, एक्सरसाइज थर्ड बी और थर्ड सी कंप्लीट हुई. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज थर्ड डी, एंड एक्सरसाइज थर्ड डी इज सेम एज एक्सरसाइज थर्ड सी. ओके, तो थर्ड डी और थर्ड ई एक्सरसाइज जो है हम कल कंप्लीट कर लेंगे. ओके.